प्याज बना रहे, तनक सफाई करके बंद कर लग ना जाए। ओ है बहुत ही बेकार खंडर बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जयंती नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग हमने शाम से स्टार्ट कर दिया है, और क्योंकि आज हमने चूल्हे का सेटअप बाहर लगा दिया है, ये देखिए, क्योंकि थोड़ी सी चाशनी थी उसे उबालना था, इसके कारण यहाँ पे चूल्हा लगाया। दोस्तों आज हमने यहाँ पे चूल्हा लगा दिया है और खाना भी आज मैंने पूरा चूल्हे में बनाया है, और बस अभी रोटी बनाने ही बाकी रह गई। तो शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया है, कपड़े वगैरह सूखने मैंने डारे अभी शाम के ही समय धोके। तो सब्जी चढ़ी है और आ जाइए आपको दिखाते हैं सब्जी क्या बन रही है। ये पगलू और ये इसे तो हटाओ यार, ये कान में ही पुस कर रही है, हट जा। तो दोस्तों ये सब्जी बना दी पगलिया। तो दोस्तों ये देखिए परवल की सब्जी आज बना रहे हैं, बस बन गई है, थोड़ा सा समय और लगेगा। तो दोस्तों रात में खाना पीना बनने के बाद हमने खाया, और क्योंकि आस्था को जल्दी भूख लग गई थी तो उसने पहले खा लिया था, इसलिए फिर हमने ब्लॉग शूट नहीं किया आगे। और अब हो गई है सीधे सुबह, तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ पूरे आंगन की सफाई आज कर रही हूँ, लेकिन आज सफाई के किसी काम आने वाला नहीं है। लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि आज सफाई काम आने वाला नहीं है, वरना मैं झाड़ू नहीं लगाती। और फिर मैं यहाँ पे सफाई कर दे रही हूँ, झाड़ू लगा दे रही हूँ। और रोज़ डेली दोस्तों बहुत ज़्यादा धूल पता नहीं क्यों हो जा रहा है, जबकि मैंने एक दो बार टाल भी इधर कर दी है गोबर से, आपने देखा भी था, लेकिन धूल हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो कल शाम के समय दोस्तों यहाँ पे हमने चूल्हा लगा रखा था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ईंट लगे हुए हैं और राख आख फैली हुई है, तो इसे भी साफ कर देंगे। और ये ईंट और ये जो दरवाजा रखा हुआ है, अब बस ये यहाँ से हटेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आधे से ज्यादा नीम के जो फूल हैं, इन दिनों फूल झड़ रहे हैं, तो वो है और धूल मिट्टी है, तो सभी को उठा के। और इस तरफ दोस्तों अभी बिल्कुल सुबह ही है, और आस्था के पापा देखे ये जो टपरा बन रखा है, इसके नीचे गायों के लिए भूसा रखा हुआ था बोरियों में, पहले हमने बहुत पहले रखा था, तो वही उन्होंने सारा यहाँ से उठा के सामान, जितना भी सामान था यहाँ पे, वो उठा के वहाँ दूसरी तरफ रख दिया, क्योंकि आज यहाँ पूरे में सफाई होनी है और ये जो टपरा है ये सारा ही चीज़ हटना है यहाँ से, और बिल्कुल मतलब यहाँ पे क्लीन होना है, और उसके बाद दीवार उठने की तैयारी कर रहे हैं आस्था के पापा उठाने की। तो नीचे नीचे की तरफ से लाइन से गड्ढा खोदना होगा, जैसे दीवार उठाने के लिए नीचे से ही, तो वही है, वही सब तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे तारे वगैरह लगी हुई है जो पहले इन्होंने छेक के रखा था,
तो वो तारे सब चीज़ हटानी है। और ये देखिए एक पुराने ज़माने का पंखा रखा हुआ है, इसे भी हटा देंगे। तो दोस्तों ये पंखा, ये गर्मियों वाला पंखा नहीं है, देगा तो ये भी हवाई, लेकिन ये पंखा अनाज में से कचरा उड़ाने के लिए है। ये हाथ से चलेगा और दूसरी तरफ अनाज से जो कचरा होगा वो उड़ाया जाएगा। उसके लिए पहले ही पंखा यूज होता था, अब नहीं होता है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे हाथ मुंह धो ली हूँ और उसके बाद मैं चली गई हूँ अंदर चाय बनाने, और आस्था के पापा काम में लगे हुए हैं। धोनी वगैरह हमने सुबह ही कर दी थी और उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ की सफाई होने लगी है आज, और तो क्योंकि अब इधर से दीवार उठानी है यानी कि घर का नक्शा चेंज हो जाएगा, तो ये टपरा हटा रहे हैं। आस्था के पापा ही देखी गिरा रहे हो सामान। आप भी हट जाना, लगा ना जाए। ओ गिर गया टपरा, हो गया इसका काम तमाम। उसको देख के करना साफ आप नहीं। हेलो आस्था, तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये ईंट की तरफ है रोड, रोड के इधर है हमारा घर। अब तो बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। जल्दी निकलो आस्था स्कूल। तुम मेरी वीडियो बना लो। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इनकी जाने की तैयारी हो गई है स्कूल। चलो जाओ स्कूल, खा लिया ठीक है। और यहाँ पे आज पूरे ही घर का उथल पुथल हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये जितना टपरा गिरा है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा कचरा है, थोड़ी बहुत है कि लकड़ियां हैं और पूरा ही कचरा है। तो इन सभी को ले जाके लकड़ियों को उधर फेंक देंगे, और जो कचरा है, धूल मिट्टी है, फालतू की चीजें हैं, वो भी फेंक देंगे ले जाके। मतलब यहाँ पे सफाई करनी होगी, और देख लीजिए खुद ही, मतलब ये सारा फैला पड़ा है सामान यहाँ पे, और इन सभी को यहाँ से हटाना। और दोस्तों अगर धूप भी ज़्यादा हो गया तो भी ये सब काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब चेहरा तो पूरे घर में कहीं नहीं है। तो बस आस्था के पापा जल्दी जल्दी लग गए हैं अपने काम को निपटा, कि धूप ना आ पाए और काम हो जाए। और इस बीच में मैंने यहाँ पे इन्हें तरबूज भी काट के दे दिया था, शरबत बना के दे दिया था दही का। और जो देवर है संतु, वो भी आके, मतलब उसने भी हेल्प करवाई है, तो वो आपको दिखेगा अभी। और दोस्तों यहाँ पे जितनी गर्मी हो रही है ना, उतना ही ज़्यादा प्यास लग रहा है। तो दोस्तों बना रही थी करेले की सब्जी और इन्हें छील दिया है, देखिए अच्छे से।
और ये ले ली हैं आम की कलियां। तो बाहर वो दोनों मिलके काम कर रहे थे, यहाँ पे मुझे खाना पीना भी बनाना था, तो मैं अंदर आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी। और दोस्तों करेले थोड़े से वो कड़ मतलब टाइट टाइट से हो गए थे, तो उनमें से मैं थोड़े से बीज निकाल लेती हूँ कि अगर ये बीज लग जाएंगे तो सही है, नहीं लगेगा तो कोई भी बात नहीं है। तो बहुत ही टाइट वाले करेले थे और बीज भी इनके बिल्कुल कड़े हो गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके जो बीज है वो शायद पौधे बन जाएं। तो मैंने बहुत सारे बीज निकाल लिए थे करेले में से, तो क्योंकि इन दिनों करेले बोए जाते हैं और करेले का पौधा जो है ना बहुत जल्दी लग जाता है और बहुत जल्दी फलने भी लगता है, तो नीचे की तरफ बो देंगे और फलने लगेगा और खूब सारे बीज हैं। अगर वो नहीं जमेंगे फिर दूसरे बीज मंगवा के लगाएंगे। देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, ये पेड़ हम लोग गिराने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे दीवार का कोना आना है और ये आधा कट चुका है संतु ने, जो कि काट दिया है। ये देखिए गिरी है, तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी टहनियाँ थी पेड़ की वो सारे काट काट के किनारे किनारे में लगा देंगे, जिससे और जो किनारा किनारा घिरा हुआ है वो और अच्छे से घिर जाए और जानवर वगैरह हमारे मतलब जो जगह है नीचे खेतों में जो जगह है उसमें आ ना पाए नीचे की तरफ, क्योंकि जानवर घुस आते हैं, भैंसे ऐसे आ जाती हैं, मोर वगैरह तो आते ही रहते हैं उड़ के, लेकिन और सभी जानवर ना आ पाए, कुत्ते भी मतलब कहीं से भी आ जाते हैं, तो इसके लिए ये लगा देंगे। साइड रखो ना पहले जहाँ से गैया खुल के आती है और मतलब सही रहेगा, यहाँ यहाँ से आती है वहाँ से आराम से पेड़ों को बचा के। वहाँ क्यों डाल रहे आम का है नीचे पेड़? तो दोस्तों यहाँ पे भी कई छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, आम के, अमरूद के, नींबू के, इन सभी चीज के पौधे लगे हुए हैं किनारे किनारे, तो उन्हीं को मतलब कह रही थी कि बचा के वो सब, क्योंकि छोटे हैं और इतने बड़े बड़े पेड़ से टूट जाएंगे। तो आप सभी को एक बार बाहर का मंजर दिखाते हैं, आखिर कैसा लग रहा है हमारा घर। तो रुकिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना ही उजड़ा चमन सा लग रहा है, बहुत ही बेकार खंडर बिल्कुल। उस तरफ लोग नहा रहे हैं, नल लगा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग नहाना धोना कर रहे हैं। पूरा घर पूरा गांव दिख रहा है और यहीं पे दोस्तों मेन रोड भी है, आप सभी जानते ही हैं, पूरे दिन यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे। अब जब तक दीवार उठ नहीं जाती ना तब तक हमें बहुत दिक्कत होने वाली है, मैं तो बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं पाऊँगी ऐसे में। ये देखिए ये रहा रोड और पूरे दिन गाड़ी यहाँ से आती है जाती है।
तो ऐसा कुछ मंजर है अभी पूरे घर का। उसका वो डंडा उसी तरफ को घूमेगा, वही वाला। हाँ हाँ देखो देखो पैर में। मग्घा है उधर, मग्घा हटा दो पहले। तो दोस्तों आज का काम आपने देखा कि टपरा गिर गया है, पेड़ गिराया गया है। पेड़ दोस्तों गिराने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन एक तो वो पेड़ हमारा था नहीं, ऊपर से वो हमारे मतलब जो हमारा काम बन रहा था वो मतलब उसकी वजह से बिगड़ रहा था। तो मुझे पता है आप सभी कहेंगे कि पेड़ क्यों काट दिया, लेकिन मैं उसके लिए अफसोस खुद ही करती हूँ और माफ़ी चाहूँगी कि जो एक पेड़ गिराया है उसके बदले हम कम से कम 10-15-20 पेड़ लगाएं इस सीजन में, और ये टारगेट रहेगा और इसे पूरा भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपसे सॉरी मैं पहले ही बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है धड़ाधड़ कमेंट यही आने हैं। तो बस थोड़ा काम बिगड़ रहा था हमारा इस कारण से, और फिर पूरे आंगन में फूल पत्ती पूरे सीजन गिरता है, आंगन साफ़ नहीं रहता है, क्योंकि उस घर में भी था तो नीम का पेड़ का सारा मतलब पत्ती वगैरह गिरता था, साफ़ नहीं रहता था, तो इसीलिए बस। और और तबीयत तो मेरी सही हो नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। कल थोड़ा सही था, आज बिल्कुल भी तबीयत फिर से ख़राब हो गया है। तो कल से दोस्तों क्या होगा कि नी शाम के समय आज खोदेंगे, शाम के समय से ब्लॉग स्टार्ट होगा दूसरा ब्लॉग, और नी खोदेंगे आज तक पापा, और मिट्टी गीला करेंगे ताकि कल से जो है एक मिस्त्री अंकल जाके सारा मतलब दीवार वगैरह जल्दी जल्दी उठाएं, क्योंकि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, मुझे बाहर जाना होता है और मतलब काफ़ी सारे काम होते हैं, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना बाहर जाने में। तो बस इस वाले काम को हम जल्दी से करेंगे, जल्दी से, ताकि दीवार जल्दी से उठे और बाउंड्री हो जाए और अंदर बाहर का दिखे ना। तो बस ये है कि कल से जो हमारे घर का नक्शा है ना वो चेंज हो जाएगा। चेंज तो आज ही से हो गया, उजड़ा हो गया बिल्कुल, लेकिन कल से उजड़ा की जगह सुंदर सा कोशिश करेंगे कि दिखने लगे। तो बाकी दोस्तों आप सभी को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बोलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।